सिर्फ स्टार कास्ट ही नहीं बदले गए थे फिल्म के नाम भी। जब हुई रिलीज तो रच दिया था इतिहास, हुई थी तबतोर कमाई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 1995 में रिलीज के साथ ही फिल्म करण अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि आज भी इसका क्रेज दर्शकों के बीच देखने को मिलता ही है। यही वजह है कि 30 साल बाद भी फिर से इस फिल्म को मेकर्स ने सिनेमा घरों में रिलीज करने का फैसला लिया है। तो आइए आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे शायद आप भी अनजान होंगे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और सुपरस्टार सलमान खान पहली बार फिल्म करण अर्जुन में साथ नजर आए थे। लोगों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी और साथ ही शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी भी लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई थी दोस्तों। लेकिन इस फिल्म के बाद ही दोनों कभी भी एक साथ किसी भी फिल्म में साथ काम करते नजर नहीं आए। हालांकि एक दूसरे की फिल्मों में दोनों को आज भी कैमियो करते देखा जा सकता है दोस्तों। इस फिल्म को आप एक बार फिर से बड़े पर्दे पर 22 नवंबर से देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म करण अर्जुन के जरिए शाहरुख खान और सलमान खान के रूप में एक साथ बॉलीवुड को दो सुपरस्टार मिले थे दोस्तों। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान के अलावा राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल रोल में नजर आई थी, जबकि अमरीश पुरी, जॉनी लीवर, अर्जुन, जैक गोड, रंजीत और आसिफ शेख भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए थे दोस्तों। इस फिल्म से जुड़ी कई सारे बातें हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने से पहले इसके नाम और कास्ट भी बदले गए थे। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 में गेस्ट के रूप में पहुंचे इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने खुद ही बताया है कि जब वो करण अर्जुन बना रहे थे तो इस फिल्म में सलमान खान के रोल में पहले अजय देवगन को लेने के लिए सोचा था। राकेश रोशन ने बताया था कि पहले फिल्म का नाम कैनात रखा गया था, लेकिन बाद में इस नाम को बदल कर करण अर्जुन रख दिया गया। उन्होंने बताया था कि जब ये फिल्म बना रहे थे तो सलमान खान से पहले उन्होंने अजय देवगन को इस फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन किसी वजह से वह इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और अजय देवगन के ठुकराने के बाद यह फिल्म सलमान खान के पास पहुँच गई थी। वही अजय देवगन को इस बात का आज भी पछतावा है कि उन्होंने ये फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को बनाने में मेकर्स को 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश कर दी दोस्तों। बता दें 6 करोड़ में बनकर तैयार हुई फिल्म करण अर्जुन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 43 करोड़ रुपए था, जो कि फिल्म के बजट से 7 गुना ज्यादा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।